एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चलो मेरी चोरी मुझे वापस। अब एक और पग आगे नहीं आप। देखा था ना अभी क्या हुआ था? अगर एक ये चूड़िया जो आपने अपने हाथों में लिख रखी ये हमारी हमने इन्हें अपनी माँ के लिए खरीदी है। वापस दे दीजिए हमें। नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। चूड़िया दे दीजिए हमें वापस। नहीं देंगे। देखिए माँ की बात ही है ना, उन्हें तो आप कुछ और भी दे सकते हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं। उन्हें क्या पता कि उन्हें क्या मिलने वाला था और क्या मिला? उन्हें पता हो चाहे ना पता हो, परंतु हमें तो सब कुछ पता है ना। हम जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है वो अपनी माँ को उपहार में देकर उनके साथ छल नहीं कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? माँ को सर्वश्रेष्ठ उपहार न देने से उनको छलना कैसे हो गया? और उनको तो कुछ पता भी नहीं है। कुछ और सर्वश्रेष्ठ ले जाइए उनके लिए, क्या अंतर पड़ता है? उनको क्या पता इन चूड़ियों के पीछे क्या रामायण हो रही है? आपने देखा ना अभी भी हमारा क्रोध, हम क्या कर सकते हैं, देखा ना आपने? और एक बार हम भी जो मन में ठान लेते हैं वही करते हैं। लगता है आज तक आपका किसी ऐसे के साथ सामना नहीं हुआ जो 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 हाँ जो कौन है जिससे इतना उलझ रही है? फूल हाथ हटा लो अपना, हटाओ हाथ। देखिए हमें चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं, इन्हें हमारे लिए छोड़ दीजिए ना। देखिए इस स्वर्ण मुद्रा लीजिए, इनसे तो आप ऐसी चूड़ियों का मेहर खड़ा कर सकते हैं अपनी माँ के लिए। अब ठीक है? लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। रुक जाइए, तो अब आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, हाथ पकड़ेंगे हमारा? हमारी माँ के कंगन पर अपना अधिकार जमा कर आप उल्लंघन कर रहे हैं मर्यादा का। देखिए आपके पास अभी भी समय है, हम आपको अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। हाथ हाथ हटाइए अपना। एक पग भी आगे नहीं, आप हमें हाथ नहीं लगा सकते। रुक जाइए, हम कहते हैं एक पग भी आगे नहीं बढ़िए। हम कह रहे हैं ना रुक जाइए। मुझे नहीं पता पिछले मार का, आप बताइए ना, बता दीजिए ना मार कहाँ है, जल्दी बताइए ना मार कहाँ है। बताइए, आप याद रखना। बोला मैं अलग हो जाए।
जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है? हमें सब पता चल जाता है। ठीक है, तो बाहर में जाओ। रुके, आपको रास्ता याद है या हम आपको फिर से बताएं? याद है जब भी। फिर भी सामने से दाएं लीजिएगा, फिर बाहर जाकर द्वार की तरफ निकल जाइएगा। पता है मेरी माँ। राजकुमारी कहाँ है? मतलब वो लड़की? ए लड़के, हमसे चालाकी नहीं, हमने खुद उस लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। देखा है तो ढूंढ लो। ये भी ठीक है, हमने देखा है तो हम ही ढूंढेंगे। तुम, अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो यहाँ से, वो भी सर उठा के? तो कैसे जाए? आंख नीचे कर लड़के, तुमने कहा आंख नीचे कर, वरना हाथ में निकाल के रख देंगे ये आंख। तू देख तो रहा है ना, आंख निकालने का कितना लंबा अनुभव है हमें। देखिए, जाने दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन मानेगा तब जब जालिम सिंह का हाथ पड़ेगा। किसी का हाथ में उड़ता है क्या? हाँ, हमारे साथ में पहले से ही चोट लगी है। प्यार से कह रहे, छोड़ दे, रो छोड़ दे। देखिए, आप सीधी तरह से यहां से रास्ता नापिए। यहां पे कोई राजकुमारी नहीं, जाइए आप यहां से। बाबूजी, करेंगे तुझे। चलो। चलते हैं काका। जी बाबूजी। सुनिए, अरे सुनिए तो। क्या है, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे थे हमारा पीछा, बोलो, या फिर हम शोर मचाएं? शांत हो जाइए। क्या बात है? ये लड़का हमारा पीछा कर रहा है और आप जाइए, हम देखते हैं। हुजूर, सब ठीक तो है? ये क्या करने जा रहे थे आप? मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यहाँ की लड़कियां बहुत भावुक होती हैं। यह तानसेन, हमें आपके सीख की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात हम भी आपको फिर से याद दिला दें, आप महज एक मुलाजिम है हमारे। शमसुद्दीन, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें तो याद नहीं है कि हमने आपको यहाँ बुलाया। जी हुजूर, लेकिन हम आपको लेने आए हैं। हुजूर, इस वक्त इस इलाके में घूमना जोखिम से भरा हो सकता है, खतरा हर कदम पर है हुजूर। शहंशाह हिंद है हम, है हम, और डर को बहुत पहले ही हमने अपने काबू में कर लिया। अब हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, समझे? किंतु हुजूर, खतरे का ज्ञान होने के पश्चात भी यहाँ पर रुकना मूर्खता होगी। क्या कहा आपने? हुजूर, जनाब ठीक कह रहे हैं। हमारे भरोसेमंद सिपाहियों से खबर मिली है कि मेवाड़ की टुकड़ी इसी तरफ आ रही है। मेवाड़ की सेना, यानी कि प्रताप की सेना। जी,
अगर आली जान को वादा नहीं किया होता तो आज इनको यही ढेर कर देते और प्रताप को खबर की तौर पे भेज देते। किंतु हुजूर, वचन तो दिया था ना। गणी बाजीराज, गणी खमा। ये ऐश्वर्य राजपूत सैनिक की टुकड़ी यहाँ आई है, ऐसा कौन है ये? आप सब यहाँ कैसे? ये सब आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं बाजीराज, आपको यहाँ से बिजोलिया ले जाने के लिए। बिजोलिया? परंतु क्यों? कारण तो हमें भी नहीं पता बाजीराज, बस राज आ गया है। पर हम आपसे विनती करते हैं बाजीराज कि जितना शीघ्र हो सके आप बिजोलिया चले जाइए। लगता है हमें अपने मित्र से मिले बिना ही जाना पड़ेगा। आप जाइए, हमारे चलने की तैयारी कीजिए। श्रीमान, श्रीमान रुकिए। अरे श्रीमान, श्रीमान आप अपना चित्र लेना तो भूल ही गए। श्रीमान रख लीजिए। धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। यही अंतर होता है मित्रों और शत्रुओं के। भले इस समय हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी हम आपके साथ गांव के हाट तक चलेंगे, क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं। ना जाते वक्त कायदे के साथ अपने दोस्त से रुखसत ले पाए, और ना ही उसके दीदार का, क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती निभाने। क्या बात है हुजूर? कुछ नहीं। चलिए जी।
अरे कोई परेशानी, हम कोई मदद कर सके तो? आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं, शर्मा। हुजूर, आइए। हुजूर, चलिए। हाँ। हाथ चलाइए। अरे, सिरहाना? अरे सिरहाने पे और थोड़े पुष्प डालिए ना, हमने कहा था ना आपसे। और ये लो, दीपक स्तंभ पे प्रकाश कम करने के लिए कहा था, अभी तक नहीं किया। शीघ्र हाथ चलाइए, देखिए राणा जी और जीजा कभी भी यहाँ आ सकते हैं, है ना? चलिए। और हाँ सुनो, भीनी भीनी गंध वाला इत्र जरूर बिखेरेगा। रानी सा, रानी सा, महारानी सा अभी भोजनशाला में ही है। क्या वे अब तक वहीं पर अटकी हुई है? लगता है हमें ही जाके उनको बुलाना पड़ेगा। आप लोग शीघ्र कीजिए। मुझे धीर भाई रानी सा को सब सच बताना होगा। सुहागी से सच चुकी है रानी साहब, अब बस महारानी जयवंता भाई जी का नई नवेली बहू के वेश में सजना सवरना बाकी है। आप जालिम सिंह से धोखा, सर उठा के। दादा भाई वो चूड़ियां। चुप! अब आप हमसे बहस करेंगी? अजब्दे भाई साहब, हमें किसी ने बताया है कि ये लुक्का छुपी का खेल और खेमे से भागने की योजना, ये सब आपके दिमाग की उपज है। नहीं वो तो बोलिए बोलिए, सच सच बताइए कि कैसे आप दोनों खेमे से भाग गई, कैसे हमें धोखा देके गांव हाट मेले तक पहुंच गई, बोलिए। देखिए दादा भाई, हमारे सामने हमारी सहेल को डराने धमकाने की गलती मत करिया। जाने दीजिए ना। क्या जाने दे, बल्कि सच तो ये है कि हम इनकी नाक के नीचे से निकल गए थे यहाँ से, और इनको कुछ पता भी नहीं चला। और तो और, ये तो पूरी सैनिक की टुकड़ी के साथ निकले थे ना हमें खोजने के लिए, इनको हमारी पाय लगी पता भी नहीं चले। और अब अपनी असफलता छुपाने के लिए आप हम पर आरोप मोड़ रहे हैं? एक तो अपना काम ठीक से नहीं किया आपने, और अब हमको डरा धमका रहे हैं आप? चिल्लाइए मत दादा भाई, भाई। दुकान जिस पे आप हमारी पूछताछ कर रहे थे ना, हम वही खड़े थे उसी दुकान के पास, उसके बावजूद आप हमें खोज नहीं पाए दादा भाई। आप चाहते क्या है, हम वापस मारवाड़ लौटकर आपकी इन सारी बातों के बारे में बड़े दादा को बता दे? आप क्या हमको डराने की चेष्टा कर रही है? अब आपकी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। भूलिए मत दादा भाई, भाई। हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़, और यहाँ आप मात्र हमारे अंग रक्षक। तो ठीक है, हम कल सुबह सुबह बिचौलिया के लिए निकलेंगे, और रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, सर उठा के। Thank you.
आओ जी राज। इस यात्रा में नियति ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला राजपुरोहित जी कि सब काम अधूरा रह गया। ना हम मीरा माँ को अंतिम प्रणाम कर पाए और ना ही अपने नए मित्र के साथ परिचय बना पाए। मीरा बाई को अंतिम प्रणाम ना कर पाने की चिंता मन से हटा दीजिए बाबूजी राज, क्योंकि मीरा बाई तो कहीं गई ही नहीं, वे हम सब की आत्मा में बस गई हैं और आत्मा तो अमर होती है, इसलिए वे सदा सदा के लिए हमारे साथ हैं। और रही आपके मित्र की बात तो निश्चिंत रहिए, यदि नियति में लिखा होगा तो उनसे आपका कहीं ना कहीं सामना होकर रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।